हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। देवभूमि स्किल इंडिया सेंटर में आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों आज का जो मैं बिजनेस आइडिया लेके आया हूँ वो हमारा डॉग फार्मिंग का बिजनेस आइडिया है, जो कि एक आज के टाइम में बहुत अच्छा ग्रोथ वाला बिजनेस आइडिया है। बहुत सारे लोग इस बिजनेस पे काम कर रहे हैं, बट और ये बिजनेस आइडिया बिल्कुल यूनिक बिजनेस आइडिया है जो अभी बहुत कम लोग जानते हैं, और जो जानते हैं वो इससे बहुत अच्छी खासी अर्निंग ले रहे हैं। दोस्तों इस बिजनेस आइडिया से बिजनेस करने के लिए हमें छोटी मोटी कुछ बातों का ध्यान रखना होगा जो हम बिजनेस ये करने जा रहे हैं। इस बिजनेस को करने के लिए सबसे पहले दोस्तों इस बिजनेस को करने के लिए हमें एक तो पेट लवर होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा चीज़, हमारा इसमें कम इन्वेस्टमेंट में हम इसको बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो दोस्तों इस बिजनेस को शुरू करने के लिए हमें सबसे पहले एक या दो ब्रीड हमें डॉग की रखनी होगी। वो डॉग की कौन सी ब्रीड होगी इसका हमें ख़ास तौर से ध्यान रखना होगा। वो हमें कैसे ध्यान रखना है वो हमें जानना होगा कि हमारे यहाँ मार्केट में कौन से डॉग जो सबसे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, जैसे कि जर्मन शेपर्ड हो गया, लैब्राडोर है, पग है, बाकी और भी सारे डॉग्स हैं जो मार्केट में बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। तो उनमें से आपको दो, एक या दो डॉग लेके आपको बिजनेस स्टार्ट करना है। तो उसमें भी आपको दो ऐसे डॉग चूज़ करने होंगे जिसकी मार्केट में ज़्यादा डिमांड है। दोस्तों मैं आपको जो सजेस्ट करूँगा वो जर्मन शेपर्ड, लेब्रा, इन दो की अच्छी खासी मार्केट में डिमांड है, जो आपको नॉर्मली आपके आसानी से बिक जाएंगे अच्छे रेटों पर। दोस्तों इस बिज़नेस को करने के लिए जो हमें डॉग लेने होंगे वो हमें फीमेल लेनी होंगी, जिससे कि हम इसकी ब्रीडिंग करवा के, क्रॉस करवा के इनसे हम बेबी लेंगे और उन बेबी को हम मार्केट में सेल करेंगे, जो कि बहुत अच्छे दामों पर हमारे सेल होते हैं। दोस्तों जो हमें ब्रीड लेनी है वो हमें बहुत अच्छी ब्रीड लेनी होगी। हमें कोई मिक्सर ब्रीड नहीं लेनी है, हमें जो भी ब्रीड लेनी होगी या तो हम सर्टिफिकेट वाली लेंगे या फिर हम प्योर ब्रीड लेंगे। प्योर ब्रीड कैसे लेंगे, वो आप जिस भी डॉग सेलर से आपके पास जाओगे डॉग ख़रीदने, तो वो आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देगा। हो सके तो अगर आप किसी अच्छे सर्टिफाइड डॉग सेलर से लेते हैं तो वो आपको इसका सर्टिफिकेट देगा। तो सर्टिफिकेट में क्या रहता है, उसके पूरी फैमिली, पेरेंट्स की पूरी डिटेल रहती है कि किसकी ब्रीड है, कहाँ से इसके फादर हैं, कौन मदर है, तो उनके पास ये सारी डिटेल रहती है। तो आप उनके पास जाके इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। कुछ डॉग ऐसे होते हैं जो नॉन सर्टिफिकेट होते हैं, तो उन जो आप जिन सेलर हैं वो उसके माँ बाप अगर उसके पास होंगे, उनके रियल माँ बाप होंगे, वो आपको उनको दिखाएंगे कि ये इस डॉग का बेबी है। तो आप उस बेबी के, डॉग की हेल्थ के हिसाब से आप कुत्ते की वैरायटी को पसंद कर सकते हैं, तो इस बेस पे आप इसको चूज़ कर सकते हैं। दोस्तों अब रही बात क्रॉस की, आप चाहें तो क्रॉस फीमेल को क्रॉस कराने के लिए आप या तो डॉग सेलर के पास भी जा सकते हैं, वो डॉग सेलर आपको कुछ कमीशन आपसे ले लेगा, या हो सकता है कुछ कमीशन ले, या जब आपकी डॉग बेबी करेगी तो उसमें आपको एक जो डॉग होगा वो आपको सेलर को देना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आप किसी भी अपने जानने वाले से, या आपको लो लगता है कि अच्छी क्वालिटी की ब्रीड है उनके पास, आप उससे क्रॉस करवा सकते हैं। और क्रॉस कराने से क्या होगा कि आपको प्रॉफिट होगा, कि आपको एक बेबी किसी को नहीं देना पड़ेगा या पैसे नहीं देना पड़ेंगे। वैसे तो मार्केट में क्रॉस कराने के डॉग सेलर लोग 10 से 15 हज़ार रुपये लेते हैं, तो आपको वो 10 से 15 हज़ार रुपये भी नहीं देने पड़ेंगे। उसके बाद जब डॉग से बेबी हो जाएंगे तो आपको उन डॉग्स को 1 महीने के बाद सेल करना होगा। ठीक है दोस्तों, 1 महीने के बाद आप इसको अपने मार्केट के हिसाब से, अपने डॉग की क्वालिटी के हिसाब से मार्केट में सेल कर सकते हैं। जैसे कि जर्मन शेपर्ड का जो प्राइस है 10,000 से 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 से तक सेल होता है। ये मेल डॉग का प्राइस है। फीमेल डॉग का जो प्राइस होता है थोड़ा सा कम होता है, जैसे कि फीमेल डॉग, मेल डॉग 15 का है तो फीमेल 10,000 की होगी, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, तब भी आपका इसमें प्रॉफिट दोस्तों बहुत अच्छा निकलता है। तो इस बेस पर आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो दोस्तों डॉग के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी और देता हूँ। एक फीमेल साल में 2 बार बच्चों को जन्म दे सकती है, तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना होगा, आप चाहें तो साल में 2 बार भी ले सकते हैं, बट मैं आपको रेफरेंस करूँगा कि आप साल में 1 बार ही बेबी लें, जिससे जो फीमेल डॉग है उसकी हेल्थ सही रहेगी।
उसको कोई दिक्कत और कोई नुकसान नहीं आएगा। बहुत सारे लोग फीमेल से साल में दो बार डॉग लेने की एक्सपेक्टेशन रखते हैं, बट वो चीज़ गलत है। ठीक है दोस्तों, अगर आप दो डॉग रखते हैं और साल में एक बार भी अगर लेते हैं तो एक डॉग एक टाइम में 4 से 5 बेबी देते हैं। कुछ डॉग ज़्यादा भी देते हैं, तो 4 से 5 आप मिनिमम मान के रखिए। तो अगर आप दो डॉग के बेबी एक साल में 10 डॉग्स होते हैं, तो अगर आप इनको 15,000 में भी बेचते हैं तो 1.5 लाख रुपए आपके इसमें हो जाते हैं। दोस्तों आप शुरू में दो डॉग लेके स्टार्ट करिएगा। अगर आपको लगे कि हाँ मैं इसमें प्रॉफिटेबल हूँ और मुझे इस बिज़नेस को करने में मज़ा आ रहा है, मुझे कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ रहा है, तो आप इस बिज़नेस को आप इसको काम को बढ़ा सकते हैं। बढ़ाने के लिए भी आपको ज़्यादा कोई स्पेस की ज़रूरत नहीं है, बस हो सकता है बट आपको थोड़ा बहुत एक स्पेस ऐसा रखना पड़ेगा जहाँ पे आप कुत्तों के लिए बहुत अच्छे से रहने का और सोने का इंतज़ाम कर सकें, गर्मी के लिए अलग इंतज़ाम कर सकें, जाड़ों के लिए अलग इंतज़ाम कर सकते हैं। अगर आपको दोस्तों पूरी डॉग फार्मिंग के बारे में पूरी जानकारी लेनी है इस बिज़नेस के बारे में, तो दोस्तों यूट्यूब में काफ़ी सारे डॉग सेलर हैं जो इसके बारे में पूरी जानकारी फ्री में देते हैं। डॉग के बारे में जो बीमारियां होती हैं उसके बारे में भी आपको फ्री में जानकारी देते हैं। दोस्तों अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी लेनी है तो आप यूट्यूब में सर्च करके आप पूरी जानकारी ले लीजिएगा। बट ये जो बिज़नेस के बारे में मैंने बताया है, ये बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल बिज़नेस है जिसको आप घर बैठे आराम से कर सकते हैं। दोस्तों और एक चीज़, मैंने एक ब्लॉग चैनल बनाया हुआ है यूट्यूब में रचित भट्ट ब्लॉग नाम से, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, उसको भी सब्सक्राइब करें।